बता दूं कि यू नो चाहे ये एक्टिविटी हो स्टूडेंट काउंसिल वाला इलेक्शन, चाहे कॉलेज में जो भी एक्टिविटी हो, और स्पेसिफिकली ये स्टूडेंट काउंसिल वाला ये एक बहुत बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल में जीत के आ रहे हैं, बट इसमें टू वे बेनिफिट है। एक इंस्टीट्यूशन में आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम, हर साइन जिस को देना है उसके सामने जो डब्बा होना है उसी में साइन करना है। एक साइन, दो साइन, तीन साइन, चार साइन, पांच साइन, बोल करो। चार साइड चार साइन करना है, पीछे की तरफ आ जाओ। Yes, I think you. Yeah.
से फोर में से लास्ट जो हमारा बैलेट बॉक्स था उसमें हमारे जो कैंडिडेट है मंजूर अली उनको मिले हैं 26 वोट्स और लास्ट बैलेट हुसैन को मिले हैं लास्ट बैलेट बॉक्स में से जिसमें 116 वोट्स थे टोटल मंजूर हुसैन को मिले हैं 10 वोट्स मोहम्मद है 48 वोट्स मोहम्मद यासीन को मिले हैं 4 वोट्स मुजम्मिल जमील को मिले हैं 26 वोट्स काउंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट नंबर 1 मंजूर अली जो हमारे पहले कैंडिडेट है उनको टोटल वोट्स मिले हैं 115 मोहम्मद शौकत को टोटल वोट्स मिले हैं 164 मोहम्मद यासीन को मिले हैं 59 वोट्स और मुजम्मिल जमील को मिले हैं 133 वोट्स एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू प्लीज एक जिमोर मेंबर बन के हमारे स्टूडेंट काउंसिल का आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे कंटेस्ट किया है सब बहुत कैपेबल है सब पोटेंशियल रखते हैं सब लोग कंट्रीब्यूट करें सो इस बार हमारा लेकिन 2021-22 के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा मोहम्मद शोकर मोहम्मद शोकर जैसे मैंने पहले भी बोला था ये सारे इट्स अ पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू सो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हम जितने भी फॉर्मेलिटीज है आपके ओथ सेरेमनी से लेके आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह वो सारे आपको देंगे आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू वंस मोर प्लीज जितने भी कंटेस्टेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए और इधर अपने नाम के ऊपर सिग्नेचर करें फॉर योर एग्रीमेंट जो भी है जो भी क्योंकि ये साइन है सारे कंटेस्टेंट जितने भी कंटेस्टेंट क्योंकि इट इज फॉर योर एग्रीमेंट आप लोग आए एक साइड तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट सो प्लीज शोकत भाई आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट के लिए और आप लोगों की जो जो भी कॉलेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे इंशाल्लाह वो करेंगे हम हमारे जितने भी फर्स्ट कैंडिडेट हैं और जो मतलब कि फर्स्ट कैंडिडेट हार रहे हैं वो भी हमारे साथ भी काम करेंगे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और बाकी जितने भी इलेक्शन कमिश्नर है मतलब कि सर इनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार ऐसा एक मौका दिया कि हम और अपने सपोर्टर्स को भी शुक्रगुजार करना चाहती हूँ जो भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया या आने वाले जो इश्यूज होंगे मैं उन सबको पूरा करने की कोशिश करूँगी थैंक यू मैं सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर और बाकी टीचरों का स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुबह से लेकर अभी ये इलेक्शन कंटेस्ट किया और आप लोगों का भी सपोर्टर्स का भी शुक्रगुजार हूँ साथ ही हमें बाकी कैंडिडेट्स थे उनका भी शुक्रगुजार है सबको साथ देना चाहिए जिस मकसद के लिए आए थे जिस मकसद को कैंडिडेट निकले थे वो मकसद कामयाब करें सबसे पहले नदीम इफला बहुत खुशी की बात हाजिरी भी कंटेस्टेंट पर गया सर कर चुके एक शौक था कि मतलब मैं कोशिश के लिए कुछ कर सकूँ यहाँ जो जीते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करना है इट्स ए पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बार हम इसको मतलब जानते नहीं है हम एक्साइटमेंट में हम खुशी मनाते हैं कि हम जीते हैं लेकिन खुशी के साथ साथ ये एक जिम्मेवारी भी है जो आपको सौंपा गया है ठीक है आप लगभग 1500-2000 स्टूडेंट के ऊपर आपको लीडरशिप करने का मौका मिला है
उनके प्रॉब्लम्स को जानने का, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उनके प्रॉब्लम्स को ऊपर अथॉरिटीज पे जहाँ तक पहुँचाने उनको पहुँचाने का। सो ये एक जिम्मेवारी है, तो इसको प्लीज़ आप लोग। और जो हारे हैं वो लोग, जैसे हारे हुए लोगों भाई बहन हैं, तो सब एक दूसरे के साथ बैठ के इस कॉलेज बनाने के एक बेहतर जगह सीखने मैं यहाँ पे खड़ा के वो चीज़ उनको अनाउंस करूँगा। शुरू करूँगा मैं केशर से। केशर में जो कंटेस्ट किया था, केशर के लिए दो कैंडिडेट्स थे हमारे, इनायत अली और मोहम्मद रियाज, जिसमें हमने बैलेट बॉक्स नंबर 4 हमने ओपन किया था, जो हमारे 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर्ट्स और साइंस कॉमर्स सारों से बिलोंग करता था। मिले हैं 27 वोट्स और मोहम्मद रियाज को मिले हैं 82 वोट्स। तो बात करें और मोहम्मद रियाज को मिले हैं 385 वोट। सो आई वुड मोहम्मद रियाज एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इनायत अली टू, ठीक है, क्योंकि 176 वोट आना भी मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमेशा सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनके साथ बैठ के कोऑपरेट करें, उनके साथ बैठ के हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें जितने भी बात। सो कॉलेज के इस साल के अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को हमारे चैनल में करीना में फिर से एक बार अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हाफिज़ अगर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। और जैसे कि आपको पता है हमारे हमेशा यही मेंटेन रहता है कि स्टूडेंट्स को लेके या आम को लेके जो भी मसाइल्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो हम हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो इस बार हम डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल की रिपोर्ट दिखाने आपको जा रहे हैं। जैसे कि कल जो इलेक्शन हुए थे, स्टूडेंट्स इलेक्शंस हुए थे, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी और केशर का जो कल वोटिंग हुए थे, उसमें से जिन्होंने वो अपना जो रिजल्ट शो किया थे उसमें प्रेसिडेंट के लिए जैसे कि शौकत अली थे जिन्होंने 31 वोट्स से जीते थे प्रेसिडेंट के लिए, और जहरा बतूल जो कि वेस्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए जीते हैं जिन्होंने 226 वोट से जीते थे, और अकबर अली जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने 128 वोटों से मतलब अपना जो रिजल्ट शो किया है जनरल सेक्रेटरी के लिए, और जो रियाज है जैसे कि केशर के लिए उन्होंने 209 वोट हासिल किए थे। तो ये थे हमारे यानी डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और केशर का। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट जहरा बतूल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। तो आपको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारक देता हूँ, क्योंकि आपने अपना जो इलेक्शंस में जो आपने रिजल्ट दिखाया है बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाया है, इसके हमें शुक्रगुजार करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका यही सवाल करता हूँ जी, कि आपका जो कल वोटिंग हुआ, जो आपका कल इलेक्शन हुआ, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल इलेक्शन हुआ था जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड हुई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हमारे कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन, स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन जो है वो पहली बार हुआ है। पहले वोटिंग नहीं होता था, बस ऐसे ही टीचर सेलेक्ट करके निकालते थे। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड हुई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जहरा बतूल जी, देखो जैसे कि आपको दूसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स लगभग 3000 या 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स है, उनके ऊपर आपको लीडरशिप करने का मौका मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी लीडरशिप मतलब रूल करना होता है, मतलब ऐसे रूल नहीं कि रोक दिखाएं, वो नहीं करना होता है, लोगों की मुश्किलात और उनको समझ के उनको सॉल्व करना होता है। तो
मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला है कि मैं अपने भाई बहनों की मदद कर सकूं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं और अपने कॉलेज को वेल डेवलप कॉलेज बनाने का मौका भी मिला है। तो ये भी अच्छे सवाल थे। तो देखो अभी लगभग का हमारे जो कॉलेज के प्रॉब्लम्स को देखिए आप खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल को लेके या बस इश्यूज को लेके और जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है, मतलब जैसे कि हमारा वह टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होना और टाइम पे रिजल्ट नहीं करना, उनको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए निकले हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स से? हाँ जी, मैंने अपने सपोर्टर्स को वादा किया था कि जो भी इश्यूज हो मैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैंने कुछ मैनिफेस्टो उठाए थे कि जैसे गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स के लिए एक स्पेशल रूम और बस का, कुछ जगहों पे जो बस नहीं पहुंच पाता है तो हम स्टूडेंट्स को पैदल आना पड़ता है और कुछ लोगों को बस में रेंट दे के आना पड़ता है और कुछ स्टूडेंट बहुत दूर दराज से आते हैं तो उनको यहाँ बाजार में रेंट पे रहना पड़ता है सर। तो उन लोगों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम करना ही मेरा फ़र्ज है क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ वाइस प्रेसिडेंट चुना है ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सब मैं सॉल्व कर सकती हूं। तो मैंने जो वादा किया है मैं वो सब पूरा करने की कोशिश करूंगी और जो आने वाले इश्यूज होंगे मैं उन सबको हायर अथॉरिटीज से मिलके सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू धारा बतूर, ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के जो 2021-22 का जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे तो धारा बतूर। तो मैं फिर से एक बार आपका शुक्र अदा करता हूँ और हमारे चैनल की तरफ हमेशा यही मैंडेट रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे फिर से एक बार शुक्र अदा करता हूँ धारा बतूर जी। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम, हम आपको फुल वर्ल्ड की जो स्पोर्टिंग है वो आपको मैं हर और अभी इसी शुरुआत के साथ मैं आपको जारी रखता हूँ। आप हमारे उजमल को ज़रूर देखेंगे। तो मैं मोहम्मद हाफिज़ सागर इसी के साथ आपके साथ रुख्सत होना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।